इस्लाम कबूल करने वाला पादरी 15 साल कलीसा में रहने वाला पादरी मुसलमान होकर हज करने पहुंच गया। एक ख्वाब ने पादरी की पूरी जिंदगी बदल दी। पादरी का कहना है कि मैं 1 लाख अफराद का मजहबी पेशवा था, 15 साल कलीसा में बतौर पादरी खिदमात सर अंजाम देता रहा। फिर मैंने एक ख्वाब देखा और वही ख्वाब बार बार देखा, कई बार देखा। मुझे हुक्म दिया गया कि अपने लोगों को सफेद लिबास पहनाओ। फिर पादरी ने सोचा कि सफेद लिबास तो मुसलमानों की निशानी है, इशारा समझ गया। फिर अपने लोगों को जमा किया, ख्वाब के बारे में बताया, अपने पैरोकारों को जमा किया, ख्वाब के बारे में बताया, सारी हकीकत बताई। फिर पादरी और उनके जितने भी पैरोकार थे सब के सब उसी वक्त कलमे शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। बेशक सबसे सच्चा दीन, सबसे खूबसूरत दीन और सबसे अच्छा दीन दीने इस्लाम ही है। पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ बढ़ने वाला मजहब मजहबे इस्लाम है। तुम जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश करोगे इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इस्लाम जिंदाबाद। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अधा बहुत बहुत मुबारक हो।